हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम सभी जानते हैं कि विंटर्स में हमारी स्किन कैसे एकदम ड्राई ड्राई रहती है, और ऐसे में अगर हमें उम्मीद हो कि हमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ नहीं करनी चाहिए अपने फेस पे क्योंकि हमारी स्किन को और ड्राई कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन को ड्राई कर देगा, हार्म पहुँचाएगा। अगर आप इसे प्रॉपर वे में सही तरीके से यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाएगा गाइस, बिल्कुल भी। अगर लेकिन इसे यूज़ करने का एक प्रॉपर वे है किसी भी चीज़ को, अगर जैसे विंटर्स के टाइम है तो हमें इसमें वैसे इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो। अगर हम सिर्फ ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी को यूज़ कर लेंगे तो फिर वो हमारी स्किन को जरूर ड्राई कर देगा, बट अगर हम प्रॉपर वे में सही तरीके से यूज़ करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे हम एक सही तरीके से मुल्तानी मिट्टी से फेस पैक बना करके यूज़ कर सकते हैं जो हमारी स्किन को विंटर्स में एकदम हेल्दी और ग्लोइंग रखेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे हम इस मुल्तानी मिट्टी को प्रॉपर वे में सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे और हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि इसे यूज़ करने पर हमारी स्किन में सिर्फ बेनिफिट्स ही हो, कोई भी हार्म ना पहुँचे हमारी स्किन को। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारे फेस से एक्सेसिव ऑयल एंड डर्ट को रिमूव करती है। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच हनी ऐड करेंगे। हनी जो है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है गाइस, जो हमारे पिंपल्स होने से हमारी स्किन को बचाती है और हेल्दी और ग्लोइंग रखती है। साथ ही ये विंटर्स का टाइम है तो ऐसे टाइम में मॉइस्चराइजेशन का काम बहुत ही अच्छा करती है हनी, क्योंकि हनी मॉइस्चराइज फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच लगभग लेमन ऐड करना है गाइस। लेमन जो है हमारी स्किन से डेड सेल्स हटाते हैं और टैनिंग को भी रिमूव करता है और साथ में डार्क स्पॉट्स भी रिमूव करता है। उसके बाद हम इसे मिक्स करने के लिए उतनी क्वान्टिटी में मिल्क ऐड करेंगे जितने कि इससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए गाइस। तो इसके बाद इसको अच्छे से एकदम मिला करके पेस्ट बना लेना है हमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। मैंने कच्ची हल्दी यूज़ की है, कच्ची हल्दी को पीस के उसका पेस्ट थोड़ा सा डाला है। हल्दी जो है विंटर्स में हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और पिगमेंटेशन को भी हटाता है। तो इन सभी को मिक्स करके लास्ट में अभी हमारा पैक जो है वो रेडी हो चुका है गाइस। फेस पैक को अप्लाई करते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए गाइस कि फेस पैक जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसका डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करना है। यही मतलब सही तरीका होता है फेस किसी भी फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए गाइस। सो गाइज, अगर मेरे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, अगर ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।